अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहब से, देख रहे हैं आप सिर्फ पाकिस्तानी चैनल। अल्लाह करे देखने और सुनने वाले सब हरिया से हों। पार्ट टू, तैयब अर्दोगान, उम्मत की पहचान, इस्लामी दुनिया का सुल्तान। जी हाँ, इसमें मैं बता रहा हूँ कि तुर्की के लिए उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। लास्ट पार्ट में उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया था, और पार्ट थ्री में जो उम्मत मुसलमान इस्लामी दुनिया के लिए उनके जो कारनामे हैं उनको मैं बताऊँगा। 100 साल के करीब सेकुलर रियासत तुर्की को बदल के रख दिया, इस्लामाइजेशन की तरफ इस्लामी तुर्की बना दिया तैयब अर्दोगान साहब ने। वो इख्तदार में आते ही $23 अरब का IMF का कर्ज़ा ज़ीरो कर दिया और पेशकश की वर्ल्ड बैंक और IMF को कि आप हमसे कर्ज़ा लें। $200 अरब GDP था जब उन्होंने इख्तदार संभाला, तो $800 अरब पर GDP को लेकर वो चले गए। 510 नए अस्पताल बनाए, और जो सेहत का बजट था पहली दफ़ा वो दिफा से भी ज़्यादा कर दिया। इसके अलावा ये है कि इस्तंबुल एयरपोर्ट यूरोप का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना दिया, जहाँ पर रोज़ाना तकरीबन 1300 इंटरनेशनल फ्लाइट और तकरीबन 600 डोमेस्टिक फ्लाइट, 1900 फ्लाइट के साथ वो बेहतरीन और मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है, जो तैयब अर्दोगान साहब का कारनामा है। टर्किश एयरलाइन दुनिया की 6ठे नंबर की एयरलाइन बना दी, जबकि यूरोप में वो पहले नंबर की एयरलाइन है। तो इसके अलावा उन्होंने स्कूलों का जाल बिछाया, तो 65,000 तालब इल्म थे स्कूल के अंदर, तो 8 लाख पे चले गए। जो लादीनी बेदीनी सिखा रहे थे स्कूल, उनको इस्लामाइजेशन की तरफ मोड़ा, इस्लामी असलाहत की। और जो कुरान पाक की पाबंदी थी कि 12 साल से नीचे की उम्र का कोई नहीं बच्चा पढ़ सकता, उसको पाबंदी को ख़त्म किया, बल्कि कुरान पाक को स्कूलों और कॉलेजों के अंदर उसकी तालीम को लाजमी करार दे दिया, हजाब की पाबंदी ख़त्म कर दी। 1 साल के अंदर 17,000 नई मस्जिद को बनाया, जबकि पुरानी मस्जिद को भी बहाल किया। 1000 किलोमीटर की सड़कें तमीर की, 1000 किलोमीटर तकरीबन रेलवे लाइन को भी उन्होंने बिछाया। तो जो मईशत का नंबर था तुर्की का 111वां नंबर था पूरी दुनिया के अंदर, जिसको वो 16वें नंबर पर लेकर आ गए। इसके अलावा बेदीन निज़ाम को इस्लामी निज़ाम की तरफ उन्होंने मोड़ा, इस्लामी बैंकों को तरजीह दी, जबकि पर्दे पर जो पाबंदी थी उसका भी खात्मा किया। तो ग्रीन सेहत कार्ड का अजरा किया, कि वो हेल्थ कार्ड था, कि उससे फिर फ्री और मुफ्त इलाज टर्किश अवाम का होने लगा। तो सबसे बड़ी एयरलाइन टर्किश एयरलाइन को बना दिया, तो अजीम सियाहती मकाम इस्तंबुल को दर्जा मिला उनके दौर में, कि उनकी वजह से टूरिज़्म ने इतनी तरक्की की कि आज टर्की $40 अरब सिर्फ सियाहत से कमा रहा है, और सालाना करोड़ों सयाह उधर विज़िट करने के लिए, सैर करने के लिए आते हैं। यूनिवर्सिटियों की तादाद को 98 से 98 से बढ़ाकर 190 तक ले गए, और इसके अलावा जो उसकी $23 अरब की एक्सपोर्ट थी उसको बढ़ाकर $155 अरब पर तैयब अर्दोगान साहब ले गए। तो तैयब अर्दोगान साहब के इतने ज़्यादा कारनामे हैं, इतना उन्होंने टर्की को आगे बढ़ाया, मज़दूरों की तनख्वाहें बढ़ाईं और इंसाफ को लेकर आए, और यही वजह है कि उनको इंटरनेशनल लेवल पर भी रूस, ईरान, करगैजस्तान, बेल्जियम, पाकिस्तान और बहुत सारे ममालिक से सिविल और नेशनल एवार्ड और एजाज़ा से भी नवाजा गया। तो अगली वीडियो में मैं उनके पूरी दुनिया के लिए, जो इस्लामी दुनिया के लिए कारनामे हैं, उनके साथ हाज़िर हो रहा हूँ। देखते रहिए सिर्फ पाकिस्तानी चैनल। अगली वीडियो तक लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan.